अप्पा, हमने आपसे कहा था जितना जल्द हो सके गौरी को अपने घर से विदा कीजिए, लेकिन उसे अपने से दूर करने में आप असमर्थ हैं। गुरुमा, हमारा बस चलता तो गौरी को यहाँ आने ही नहीं देते, लेकिन अप्पा, गौरी का जन्म होते ही हमने आपको सचेत किया था कि ये लड़की आपके परेशानी का कारण बनेगी। एक गौरी ही है जो आपकी सत्ता हिला सकती है अप्पा। आप दोनों की कुंडलियां बिल्कुल एक समान है, जहां गौरी के पैदा होते ही आपकी जिंदगी का रुख ही बदल गया था, ठीक उसी तरह उसके आपके साथ रहने से आपकी सत्ता पलट सकती है अप्पा। इसीलिए क्षमा कीजिए गुरुमा, क्षमा कीजिए, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गौरी आज वहीं पहुंच जाएगी जहां उसे हमेशा से होना चाहिए था। आप दोनों में से गौरी को छोड़ने कौन जा रहा है? अप्पा साहब, वो दोनों ही जा रहे हैं। क्यों जी? वो कैसा का है अप्पा साहब? वो जयराज को मुंबई में अपनी गाड़ी चाहिए, तो गौरी और सिद्धार्थ उसी गाड़ी में जा रहे हैं और जयराज उन्हें सीधे मुंबई एयरपोर्ट पे मिलने वाला है। सुखी रहा। खुश रही, सुखी रही। प्रतीक्षा, आपने मुझसे एक वचन मांगा था, आज मैं भी आपसे एक वचन मांगना चाहता हूं। गौरी, प्रतीक्षा, इस बार तो आपने अपने बेटे का स्वागत नहीं किया, एक्चुअली मैं बिना बताए आ गया, लेकिन अगली बार जब आपका दामाद अपनी बीवी के साथ आपसे मिलने आएगा तो आपको उसका स्वागत अपने घर के दरवाजे पर आकर करना होगा। मंजूर है?
सत्य भाई, मैं नहीं जानती कि मैं जिंदगी में फिर कभी गौरी से मिल भी पाऊंगी या नहीं, कभी उसे देख भी पाऊंगी। हाँ बेटा, वो दोनों बस अब निकलने वाले हैं, आप उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पे मिल लीजिएगा। ओके बाय। अपा मैं क्या काजी करूँ? जीते रहिए, जीते रहिए। अप्पा सर, आज तक मैंने जितनी भी गलतियां की है मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। अरे नहीं 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 बेटा, नहीं, देखो जो हुआ सो हुआ। और देखो हमने आपकी सारी गलतियों को माफ किया, माफ किया बेटे, माफ किया। सिद्धार्थ मेरे गौरी का ख्याल रखना बेटा। जी अब्बा साहब। चलो अब आप लोगों को निकलना चाहिए। Thank you.
मम्मा यू डोंट वरी, हम बस अभी अभी कोल्हापुर से निकल चुके हैं। मेरे ख्याल से रात के 11 बजे तक हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अच्छा गौरी, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं मम्मा, आई डोंट नो, बट आई गेस सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आई नो बेटा। अच्छा गौरी, तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? मम्मा मेरी फ्लाइट सुबह 4 बजे है और जयराज दादा भी हमें वहीं मिलने वाले हैं मुंबई एयरपोर्ट। लेकिन मम्मा गौरी, बेटा आई नो यू आर अ स्ट्रांग गर्ल, और तुम फिक्र मत करो ना, जैसे तुम्हारी शादी होगी हम सब मिलके प्रतीक्षा वहिनी को लेने जाएंगे कोल्हापुर। बाय, सी यू सून, लव यू टू बेटा, सी यू सून। वो मैं मम्मा से बात कर रही थी। गौरी, गौरी, बात क्या है गौरी? कुछ भी नहीं सिद्धार्थ, सब कुछ ठीक ही तो है। मैंने पूछा बात क्या? सच में सिद्धार्थ कुछ भी तो नहीं हुआ है। It's just that I'm very happy that we are going back. और कुछ ही दिनों में हमारी शादी भी तो होने वाली है। अब और... थोड़ा सच भी बोल दो। जहां तक मुझे पता है, मेरी गौरी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। So come on, tell me, बात क्या है? सिद्धार्थ, मैं अपने आई को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उन्हें मेरी जरूरत है। गौरी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। So then, प्रॉमिस? अब तुम माँ बेटी के बीच में ना मैं फंस गया। तुम पहले डिसाइड कर लो कि मुझे किसकी बात सुननी है, तुम्हारी या प्रतीक्षा की? हम दोनों की। Now, come on. Let's go. Let's go. We are getting late. Get in. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। Star Plus के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें Star Plus YouTube पेज को।